तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज की पल्सर NS250 के बारे में। अब मुझे पता है कि ये बाइक इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुई, बट हाँ बहुत जल्द इंडियन मार्केट में ये वाली बाइक लॉन्च हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कब तक बजाज की पल्सर NS250 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है और इस बाइक के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी फिलहाल बजाज वालों के पास 250 cc की कितनी सारी बाइक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी देखा जाए तो बजाज की पल्सर N250 और बजाज की जो डोमिनार 250 है, यही दो बाइक 250 cc में बजाज वालों के पास अभी है। और जो बजाज की NS सीरीज है ये काफी पॉपुलर सीरीज है, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि बजाज वाले बजाज की पल्सर NS250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बजाज की पल्सर N250 और बजाज की डोमिनार 250 की, तो दोनों ही बाइकों में अलग अलग इंजन और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और अगर बजाज वाले NS250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो यही दो इंजन में से किसी एक इंजन को NS250 के अंदर डालेगी। और अब हम बात करते हैं कि आखिर बजाज की पल्सर NS250 दिखने में कैसे होगी। तो इसका जो लुक्स होगा काफी मैस्कुलर होगा और बजाज की जो NS सीरीज है उसी के लुक में देखने को हमें मिलेगा। बट इसके फ्रंट में आपको USD फॉग और डुअल चैनल ABS और लिक्विड कूल्ड इंजन जैसे अच्छे अच्छे फीचर हमें देखने को मिल जाएगी। अगर इस बाइक के अंदर लिक्विड कूल्ड वाले इंजन डलती है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो करीबन 27 BHP के आसपास पहुंच जाएगी। और वहीं पे अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो करीबन 24 Nm की टॉर्क जनरेट कर देगी आराम से। ये एक 250 cc की बाइक होगी तो इसका जो फ्यूल टैंक होगा वो करीबन 14 से 15 लीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर माइलेज की बात करें तो 25 से 30 से 35 से ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इस बाइक का जो पावर होगा काफी ज्यादा होगा। वहीं पे इस वाले बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो इस बाइक के अंदर डिजिटल के साथ आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि बजाज की पल्सर NS सीरीज में हमें देखने को मिलती है। और इसी के साथ ये वाला बाइक लेटेस्ट फीचर से लैस होगी, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, साइड असिस्टेंट कट ऑफ फीचर और डिस्टेंस टू एम्प्टी। बजाज की पल्सर NS250 NS सीरीज की सबसे टॉप वेरिएंट होगी, तो आई थिंक इस बाइक के अंदर आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि आखिर कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी। तो देखो अभी तो लॉन्च डेट इसका कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत जल्द हमें इंडियन मार्केट में ये वाली बाइक देखने को मिल सकती है। और अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आती है तो 200, 250 और 300 सीसी की बहुत सारी बाइक्स को ये आराम से टक्कर दे देगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना यार।